अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ईद आने वाली है। तो ईद की स्पेशल तो बिरयानी और शीर कुरमा ही होता है, उसके बगैर तो ईद हमारी अधूरी होती है। तो यहाँ पर मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। वैसे तो सभी को बनाने आता ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध निकाल ली और इसे मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी एक साफ बर्तन में, जो ताकि है जो भी बर्तन हो, अगर वो हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कर ले, जो ताकि हमारा दूध फटे नहीं। क्योंकि अक्सर होता है कभी पतीली थोड़ी बहुत भी अगर सही से साफ़ नहीं होती है तो दूध फट जाता है, तो वो कर ले पहले सबसे पहले। और फिर मैंने दूध को इसमें 1 लीटर दूध को डाल दी हूँ, मैं इसे बॉईल करने रख दूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉईल करने रख दी हूँ, जो ताकि हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे जब तक हमारा दूध भी बॉईल हो जाएगा। और अच्छी तरह से बॉईल करेंगे दूध को, थोड़ा हल्का सा गाढ़ापन आ जाए, जो हमारी शीर कुरमा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो। तो चलिए देखते हैं दूसरी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने छुहारा ले ली हूँ, जो सूखी हुई खजूर बोलते हैं जिसे, वो इस तरह की होती है। तो ये बहुत ही कड़क कटती है, जल्दी कटती नहीं है। तो इसे मैंने गर्म पानी में थोड़ा सोख करके रखी थी भिगाकर, तो ताकि जल्दी से ये हो जाए। तो इसके मैंने इस तरह से स्लाइसेस कट कर ली हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ये डाल भी सकते हैं, नहीं वरना स्किप भी कर सकते हैं। और दूसरी है ये चिरोली, और यहाँ पर ये बादाम को सोख करके मैंने कट करके स्लाइसेस में कट कर ली। और यहाँ पिस्ता है। आप अपनी सारी चीज़ अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, ये सब 1 लीटर दूध में जाएगा। और ये काजू है, उसे भी मैंने कट कर ली। यहाँ हम देसी घी का, सबसे पहली बात तो घी का बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, तो घी हम डालडा या उसका नहीं बनाएंगे, देसी घी की शीर कुरमा बहुत अच्छा बनता है। तो आप ट्राई करिएगा, यही देसी घी यूज़ करिएगा। और यहाँ पर मैंने इलायची ले ली, हरी इलायची जो मैंने कूट ली हूँ। और यहाँ मैंने ले ली सिवई। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दूध तो हमारा बॉईल हो रहा है, तो दूध बॉईल करने के बाद मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमारे दूध में भी बॉईल नहीं आया है। जब तक हमारे दूध में बॉईल नहीं आता है तब तक हम दूसरी जो सिवई और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके ले लेंगे। चला लेंगे इसे थोड़ा, तो यहाँ पर मैंने दूसरे वेसल को गर्म करने के लिए रख दी हूँ। जब तक हमारा दूध होगा तो ये बाकी की चीज़ें सब हो जाएंगी। तो इसी के अंदर घी गर्म हो गया, क्योंकि पतीली गर्म थी हमारे, सिवई को डाल देंगे। ना नहीं है, सही क्वांटिटी में ही लेना है सिवई को। सिवई को अच्छी तरह से भून लेंगे घी में। साथ ही में हम डाल देंगे चिरौंजी। डाल देंगे बादाम, काजू, पिस्ता और ये छुहारा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि घी में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। या आप इस तरह का सूखा चीज़ बनाकर भी रख सकते हैं, बस दूध को बॉईल करके आपको ये डाल के और दे देना है जब भी अगर कोई मेहमान घर पे आए। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सिवई बनके रेडी हो जाएगी।
बस इसे से 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई होने देंगे। और यहाँ पर दूध में थोड़ा सा बॉईल आ रहा है तो हम दूध के अंदर इलायची डाल देंगे, इलायची का पाउडर जो मैंने कूट के रख ली थी। ये देखिए बॉईल आने लगा है दूध में, थोड़ा सा और 2-4 मिनट के लिए पकने दे देंगे दूध को। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है तो हम इसके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से लाल लाल फ्राई हुई है एकदम, देखिए अच्छे तरह से खोल चुका है। तो बस अब हम ये डालने के बाद 102 मिनट के लिए इसे बॉईल आने तक इसे बस पकने दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए खोल आने दे देंगे। तो देखिए हमारी कितनी मज़ेदार सी सिमई आपको घी की जो तरी है वो ऊपर नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके की सिमई बहुत ही टेस्टी बनती है और आपके घर में जो भी मेहमान आएंगे उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब ना करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तो ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आ सकूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ये देखिए।